हे गाइस वेलकम बैक दिस इज़ उद्दन ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इनफैक्ट जिसका नाम है बैग ऑफ टोकन्स नाइन हंड्रेड फोर्टी एट एंड ये आज का जिस दिन अपलोड हो रही वीडियो उस दिन का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है ठीक है चलो डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन हमको कहता क्या है वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड इनिशियल पावर या हमें एक इनिशियल पावर दे रखा है ठीक है इन दिस इनपुट जो कि अपने पास है टू हंड्रेड उसके अलावा ये बोलता है हमारे पास एक इनिशियल इनिशियल स्कोर होगा जो कि हम इनिशिएट करेंगे विद वैल्यू जीरो ठीक है मैं रख लेता तो हूँ अपने पास कि भाई मेरे पास स्कोर है जिसकी वैल्यू जीरो होने वाली है इसके अलावा वी हैव अ बैग ऑफ़ टोकन्स वेयर टोकन टोकन्स आई इज़ द वैल्यू ऑफ आई आयथ टोकन जीरो बेस इंडेक्सिंग ओके तो है क्या यहाँ पर ये जितने टोकन दिख रहे हैं ना आपको इंडेक्स जीरो पे वन पे टू पे, पे एंड थ्री पे ठीक है इन टोकन्स की कुछ वैल्यूज़ है अब करना क्या ये देखते हैं योर गोल इज़ टू मैक्सिमाइज द स्टोर स्कोर तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भाई हमें मैक्स वैक्स से कुछ काम होगा और अपने स्कोर को क्या करना है हमें हाँ मैक्सिमम करना है जितना हम स्कोर पॉसिबल मैक्सिमम कर सकते हो उतना करेंगे ठीक है अब इसको करने के तरीके क्या है ये कुछ तरीके हैं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इन तरीक़ों को भी तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपका करंट पावर इज एटलीस्ट टोकन ऑफ है एटलीस्ट का मतलब क्या होता है Uh, अगर मैं पावर की बात करूँ तो इफ़ आर पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोकन ऑफ आई एटलीस्ट ठीक है कम से कम टोकन ऑफ आई के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं वी कैंड प्ले आर आई एट टोकन फेसअप मैं अपने टोकन को फेस अप रख सकता हूँ लेकिन इससे होगा क्या जो मेरा पावर है उसमें से हम टोकन ऑफ आई की वैल्यू लूज करेंगे बट अपने स्कोर में क्या होगा गेन होगा एंड हमारा गोल क्या है हमें अल्टीमेटली अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है राइट देखो पॉइंट की पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करना चाहिए हमको क्वेश्चन में वी नीड टू मैक्सिमाइज आर टोटल स्कोर ठीक है तो ये तो अपने स्कोर को बढ़ाएगा या मैं समझ में आ गया स्टार्टिंग स्कोर क्या अपने पास जीरो है ये समझ में आ गया अब दूसरी लाइन को पढ़ते हैं इफ़ योर करंट स्कोर इज एट लीस्ट वन देखो इनिशियल ज़ीरो है बट अगर आपने कुछ ऑपरेशन बाद आपका स्कोर जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या फिर एट लीस्ट वन हो गया ठीक है तब आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो उसमें क्या है कि आप अपने टोकन को फेस डाउन खेलोगे एंड जो फेस डाउन खेलने से क्या होगा आपका जो पावर है उसमें टोकन ऑफ आई की वैल्यू एड हो जाएगी बट कौन क्या है जो आपके स्कोर है उसमें माइनस वन होगा तो बेसिकली ये ऊपर वाले पॉइंट का ही जस्ट ऑपोजिट है ठीक है विथ अ बेस कंडीशन दैट इज कि भाई अपने स्कोर जो है एटलीस्ट वन होना चाहिए इस मूव को खेलने के लिए अब ये लाइन को भी देख लेते दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ईच टोकन मे बी प्लेड एट मोस्ट वंस सिर्फ एक बार ही खेल सकते हैं मैक्सिमम यानी एक बार एक इंडेक्स पे हमने खेल लिया तो उस पर वापस नहीं आएंगे ठीक है बेसिकली अगर हमने उस यूज कर लिया टोकन को तो हम वापस नहीं आने वाले उस टोकन पे राइट एंड इन एनी ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये भी अपने को यह भी नहीं दे रखा कि इनपुट सॉर्टेड होगा ठीक है इन एनी ऑर्डर यू डो नॉट हैव टू प्ले ऑल द टोकन्स रिटर्न द लार्जेस्ट पॉसिबल स्कोर यू सॉरी यहाँ पर भी ये पॉइंट अच्छा है यू डो नॉट हैव टू प्ले ऑल द टोकन्स तो हो सकता है कि यार मैं टू हंड्रेड पर आया बट आई डोंट वॉन्ट टू प्ले टू हंड्रेड क्योंकि उसको नहीं खेलता तो मुझे ज़्यादा फायदा है देखो नहीं खेलने से क्या होगा अगर आप खेलते हो ठीक है तो आपका पावर लूज होगा स्कोर गेन होगा या फिर आपका पावर गेन होगा लेकिन स्कोर लूज होगा वन से ठीक है अगर आप नहीं खेलते इस टोकन को यूज ही नहीं करते तो क्या होगा ना ही आपका पावर डिक्रीज होगा ना ही आपका स्कोर डिक्रीज होगा इट्स जस्ट कि आपने देखा यार इस टोकन से मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा इसको रहने देते हैं ठीक है लेट्स आर स्कोर एंड पावर एज इट इज जैसा है अपने पास तो ये वाला चीज भी है हमारे पास तो इन केस देखा जाए तो तीन तरीके हो गए अब इसको सॉल्व करने के ऊपर आते हैं देखो लेट्स मेक एन ऑब्जर्वेशन इसमें है क्या कि इन एनी केस अगर मेरा पावर हंड्रेड है ठीक है और मेरा पावर फोर हंड्रेड है अगर मैं दोनों में से किसी एक को खेलता हूँ ठीक है लेट से इनमें से चॉइस मिला आपको कुछ एक खेलना है ठीक है और अभी हम टोटल पावर वैल्यू पे नहीं जा रहे हम बस एक ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहे हैं यहाँ पर अगर मैं हंड्रेड को फेसअप रखता हूँ तो जो जो भी मेरा पावर वैल्यू होगा लेट्स वो कुछ भी एक्स वैल्यू है ठीक है उसमें से क्या होगा मेरा हंड्रेड माइनस होगा करेक्ट और मेरा स्कोर क्या होगा उसमें प्लस होगा वन करेक्ट ये बात तो हमें पता ही है इनफैक्ट थोड़ा इसको सही से लिखता हूं मैं और लेट्स अगर हम फोर हंड्रेड खेल रहे हैं तो क्या होगा जो अपना पावर है उसमें क्या होगा माइनस फोर हंड्रेड होगा ठीक है पावर में लॉस कितना ज्यादा है बट जो अपने स्कोर है वो क्या होगा अभी भी वन से ही इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो रिस्पेक्टिव ऑफ पावर की वैल्यू अगर हम फेसअप खेलते हैं तो पावर डिक्रीज होगा बट स्कोर अपना वन से ही इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो इसमें वाइज क्या रहेगा करना हमें हंड्रेड प्ले करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा फोर हंड्रेड ऑफकोर्स हंड्रेड क्यों बिकॉज वी हैव मोर पावर हेयर रेसिडुअल पावर जो अपने पास बचेगा ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है आगे वाले अगर हमारे पास और भी टोकन्स होते हैं लेट्स यहाँ पे और भी कुछ टोकन्स है वो हम खेल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पावर था ना इनिशियल वो फोर हंड्रेड था ठीक है पावर वैल्यू और यहाँ पे मेरे पास हंड्रेड कॉमा फोर हंड्रेड कॉमा थ्री हंड्रेड यहाँ पर है ठीक है तीन टोकन्स है मैं क्या करता हूँ मैंने हंड्रेड खेला ठीक है हंड्रेड करते क्या हुआ मेरा पावर वैल्यू जो है फोर हंड्रेड से अपडेट हो गए क्या बन जाएगा इधर थ्री हंड्रेड ठीक है हंड्रेड से माइनस हुआ अब मैं फोर हंड्रेड पर आया देखा नहीं खेल सकते फोर हंड्रेड कोई बात नहीं इग्नोर कर दिया थ्री हंड्रेड पर गया हाँ थ्री हंड्रेड खेल सकते हैं ठीक है स्कोर बाय द वे प्लस वन हो चुका था यहाँ पे तो अभी अपने स्कोर क्या है जीरो से बन चुका है वन करेक्ट इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले क्या कर ही लेते चलो कोई बात नहीं ठीक है अपने को समझने से मतलब है हमें समझ में आ रही है चीज़ें ठीक है अब मैंने थ्री हंड्रेड वाला खेला मेरा पावर क्या कभी थ्री हंड्रेड हाँ इट इज़ एटलीस्ट थ्री हंड्रेड ठीक है मैं खेल सकता हूँ वापस तो मेरा इंक्रीमेंट होकर ये हो गया टू और मेरा पावर बन गया जीरो तो मैक्सिमम मुझे दो पॉइंट मिले यहाँ पे ठीक है अब मैं करता हूँ कि हंड्रेड की जगह मैंने सीधे फोर हंड्रेड खेल लिया ठीक है अब क्या होगा फोर हंड्रेड है फोर हंड्रेड पावर है मेरा पावर फोर हंड्रेड की इधर बात करते हैं एक बार प्ले कर लिया तो क्या होगा पावर मेरा माइनस होके जीरो बन जाएगा मेरा स्कोर बन गया वन करेक्ट इन केस अगर मैं फोर हंड्रेड को पहले खेल लेता हूँ ठीक है इसको मैं पहले अगर प्ले करता हूं तो इसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है दो ऑप्शन बचे हैं हंड्रेड थ्री हंड्रेड के नाउ वट आई वॉन्ट टू डू इज मैं कहता हूं यार देखो हंड्रेड के लिए भी कम है इसके लिए भी कम है अगर मैं हंड्रेड गेन करूंगा पावर में कुछ फायदा नहीं है थ्री हंड्रेड गेन करूंगा तो हां मैं हंड्रेड खेल सकता हूं ठीक है तो वट आई डू मैं फेस डाउन खेलूंगा अब थ्री हंड्रेड वाले टोकन को उससे क्या होगा मेरा स्कोर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा राइट माइनस वन हो जाएगा तो मेरा स्कोर क्या होगा अब जीरो बट मेरा पावर क्या हो जाएगा जीरो से बढ़ के थ्री हंड्रेड हो जाएगा अब मैं हंड्रेड वाले टोकन को खेलता भी हूँ तभी मेरे स्कोर मैक्सिमम कितना पहुँचेगा वन ही पहुँचेगा राइट और इस केस में कितना पहुँच सकता टू पहुँच सकता अगर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है वापस देख लेंगे मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाने की जिसमें और इलेबोरेट करके चीज़ को बता पाऊँ और और आसान रखूँ ठीक है अभी थोड़ा छोटा वीडियो है इसलिए हम ऐसे देखते हैं ठीक है तो अपना यहाँ पर ये यह हो गया ठीक है कि अगर मैं फोर हंड्रेड को पहले खेलता हूँ तो ये इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली कि यार जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना पावर की उसको हमें गेन करना चाहिए अब एक बार बताओ लेट जस्ट यू नो इरेज ऑल दिस अब मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे मैं एरे को अगर अनसॉर्टेड एरे है तो उसमें मैं कैसे कर सकता हूँ कि मतलब मुझे मिनिमम एक तरफ मिले मैक्सिमम एक तरफ मिले अगर कुछ भी ऐसा आता है तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि मैं अपने एरे को सॉर्ट कर सकता हूँ ठीक है अब अगर मुझे गेन करना है स्कोर को तो मैं मिनिमम से गेन करना चाहूँगा राइट और मुझे लूज करना है मतलब तो अगर मैं वो पावर गेन करना चाहता हूँ और स्कोर लूज हो रहा है तो मैं मैक्सिमम पावर गेन करना चाहूंगा तो यानी मैं एंड में जाना चाहूँगा मैक्स तो वट कैन आई डू इस मैंने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया टोकन से आरे को तो मेरा हंड्रेड इधर हो गया थ्री हंड्रेड इधर हो गया एंड फोर हंड्रेड इधर हो गया ठीक है आई एम सॉरी इनफैक्ट हम इसी इनपुट को भी यूज़ कर सकते हैं अभी यहाँ पे तो मैं इसको हटाता हूँ और इसको आ, थोड़ा राइट हैंड साइड लिखता हैं बढ़िया सा ठीक है तो मैंने करा क्या है स्टेप वन हमने सॉर्ट कर लिया अपने एरे को तो सॉर्ट करने से क्या होगा मेरे पास ऐसा कुछ एरे हो गया सौ दो सौ तीन सौ एंड चार सौ ठीक है फोर हंड्रेड उसके बाद अपने पास पावर कितनी है पावर तो देखो अपने पास टू हंड्रेड ही है ठीक है मैंने एक पॉइंटर इधर रखा टू पॉइंटर अप्रोच होता है ठीक है अगर आपको पता है तो आप समझ जाओगे नहीं पता तब भी समझ जाओगे दोनों सिंपल ही चीज है तो अपना एक पॉइंटर यानी एक हमने इंडेक्स कहाँ रखा स्टार्टिंग यहाँ पे रख लिया इंट स्टार्ट करके जीरो पे और एक हमने पॉइंटर रख लिया अपना एंड पे ठीक है इंट ईडी या इंट एंड इंडेक्स कुछ भी रख सकते हो आपकी मर्जी है आप जैसा नाम रखना चाहो ठीक है ऐसे करके हमने यहाँ पे रख लिया इसका एरे डॉट या टोकन्स डॉट एंथ माइनस वन पे ठीक है ना वट एम ट्राइंग टू डू इज मैं एक वेरिएबल बना लूंगा क्योंकि मुझे मैक्सिमम ट्रैक रखना पड़ेगा राइट right? कि हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम क्या है तो आई विल मेक अ वेरिएबल इंट मैक्स या फिर इसको दूसरा पॉइंट रखते हैं इंट मैक्सिमम जो भी अपना मैक्सिमम स्कोर है वो इसमें स्टोर कर लेंगे ठीक है और इसको इनिशिएट कर देंगे जीरो से इनिशलाइज कर देंगे जीरो से इसी के साथ मैं एक और वेरिएबल रख लूंगा इंट स्कोर अब देखो होगा क्या स्कोर क्यों रख रहा हूँ मैं वेरिएबल इसको भी हम ज़ीरो से इनिशलाइज़ कर देंगे अभी के लिए हमें एट एनी पॉइंट मैक्सिमम स्कोर स्कोर देखना होगा ना मैं कहता हूँ कि ठीक है Uh, एक दो ऑपरेशन करने के बाद मुझे मैक्सिमम दो मिल गया बट मैंने थर्ड ऑपरेशन करा मेरा स्कोर जो है वो टू से वन हो गया ठीक है उसके बाद मैं इधर आया और फिर ये मेरा वन से ज़ीरो हो गया तो फाइनल मेरा स्कोर जीरो बन रहा है अगर मैं सबको आईट्रेट करता हूँ ठीक है जहाँ तक भी पॉसिबल है आइट्रेट करना इसमें जहाँ तक भी अपनी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है वहाँ तक जाता हूँ लेकिन मेरा फाइनल स्कोर जो होगा वो तो जीरो पहुँच गया बट मेरा मैक्सिमम स्कोर क्या रीच हुआ था टू तो मुझे दो वेरिएबल रखने पड़ेंगे क्यों क्योंकि हमें इस वाले पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखना यू डू नॉट हैव टू प्ले ऑल द टोकन्स तो मैं किसी पॉइंट पे भी मैक्स से पहुंच गया तो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए उसके बाद बेशक कुछ भी हो जहां पे भी हमारे डिक्रीज हुआ है हम जीरो पहुंचे तो हम कहेंगे हमने उन्हें खेला ही नहीं हमने जैसे मैक्सिमम टू पहुंचा छोड़ दिया ठीक है तो अपने को मैक्सिमम वेरिएबल रखना है स्कोर अब वट आई वॉन्ट टू डू इस मैं एक लूप लगाऊंगा आई स्टार्ट अ लूप फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स लेस देन इक्वल टू एंड इंडेक्स ठीक है ये वाइल लूप हो गया अपना और इसके अंदर हम कंडीशन लिख देंगे पहली ये वाली कंडीशन ठीक है पावर एटलीस्ट टोकन वाली अगर होता है तो प्लस वन एंड जो भी कंडीशन है और दूसरा अपना ये वाला रख देंगे कि अगर स्कोर हमारा एटलीस्ट वन है तो अगर ये दोनों ही फुलफिल नहीं होते तो हमें क्या करना है अगर हमारा दोनों ही फुलफिल नहीं होता लेट्स मेरे पास ये कंडीशन है कि भाई हम करते करते कहीं पहुँच गए हंड्रेड पे ठीक है और अपना पावर क्या है पावर लेट से फिफ्टी है ठीक है तो अपना पावर और ये टोकन मैच नहीं कर रहा ठीक है और अपने स्कोर भी जीरो है फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स स्कोर जीरो है तो अभी तो हम सेकेंड वाला हमारा इफ कंडीशन नहीं चलेगा जहाँ पे एटलीस्ट वन चेक कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो सकता है कोई आंसर नहीं मिलेगा हमें तो यहाँ पर आके हमें कर लेना चाहिए ब्रेक अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं हम कोड लिखेंगे उसमें और अच्छे समझ में आएगा तो लेट्स डू वन थिंग हम चलते हैं अपने कोड की तरफ ठीक है ठीक है तो ये अपना कोड है आ, इसको थोड़ा सा साइज़ फॉन्ट इंक्रीज कर लेते इसका या फिर डायरेक्ट बढ़ाई दिया कोई बात नहीं चलेगा अपने को तो जैसा कि आपको बोला सबसे पहले हमने टोकन सारे को क्या करा सॉर्ट हमने एक अपना पॉइंटर स्टार्ट पे रखा एक पॉइंटर एंड पे रखा एक करंट करंट की जगह मैं इसको स्कोर भी बोल सकता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है करंट स्कोर स्कोर हो गया जो भी है इनफैक्ट मैं हर जगह इसको स्कोर ही कर लेता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो स्कोर स्कोर ठीक है अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे इनिशियली क्या अपने पास स्कोर जीरो होना चाहिए ठीक है इनफैक्ट पता है इसको करंट रखना चाहिए इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है ये हमारा फाइनल आंसर होगा मैक्स और ये अपना करंट स्कोर है मैंने लूप चलाया स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड से ठीक है लूप के बाद हम इधर आए पहला कंडीशन चेक करें वेदर आर पावर इज एटलीस्ट इक्वल टू टोकन वैल्यू ठीक है और स्टार्ट से क्यों ले रहे हैं स्टार्ट में हमारी सबसे कम टोकन वैल्यू वाली है और हम चाहते हैं हमारा पावर से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है टोकन का वैल्यू सबसे कम हो राइट तो यही कर करें जैसे हम इधर है अपने स्कोर को हमने क्या कर दिया बढ़ा दिया इनफैक्ट मैं इसको और थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ कि समझ में हाँ सबसे पहले हमने पावर में से सब्ट्रैक करा अपने टोकन वैल्यू को अपना स्टार्टिंग जो वेरिएबल है उसको इंडेक्स को बढ़ा दिया एक से पॉइंटर को एंड स्कोर में प्लस वन कर दिया ठीक है एल्स कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं इफ़ मैक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो ठीक है जो हमारा फाइनल आंसर होगा मैक्स अगर वो एटलीस्ट ज़ीरो से बड़ा हो गया यानी कि सॉरी इट इज़ एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन या उससे बड़ा है या फिर जीरो से बड़ा है डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी कर सकता हूँ मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेम चीज़ है ठीक है तो अभी हमने डायरेक्ट ये कर दिया ग्रेटर देन जीरो तो हमें करना क्या है पावर में हम इंक्रीज कर लेंगे अपना एंड इंडेक्स का जो भी टोकन वैल्यू है अपने एंड इंडेक्स को डिक्रीज कर लेंगे उसको वापस अंदर लेंगे ठीक है पॉइंटर को और स्कोर में क्या करेंगे सब ट्रैक कर देंगे एल्स ब्रेक मैंने बताया अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा इसका मतलब हम नो आंसर जोन में पहुंच चुके हैं अपना पावर कम होगा अपना जो वैल्यू है टोकन का वो ज़्यादा होगा पावर से अपना स्कोर भी ज़ीरो है तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है question, तो हमने ब्रेक कर लिया अब आते हैं लास्ट लाइन पे अब हमने करा कि अपना मैक्स वेरिएबल जो है जो अपना फाइनल आंसर होगा उसमें हमने मैक्स रख लिया किसका अपना मैक्स वेरिएबल जो बनाया था जो फाइनल आंसर है और स्कोर का जो अपना रनिंग स्कोर चल रहा है अभी ठीक है अब ये वही स्कोर है जिसके मैं बात कर रहा था कि जो पहले वन है टू हुआ फिर उसके बाद वन हो गया वापस फिर जीरो हो गया बट एक टाइम पे हमारा जो मैक्सिमम बना था स्कोर का अगर स्कोर की टैली रखू मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेते रेडी रख लेते चलो अगर मैं इसकी टैली रखूँ तो स्कोर, स्कोर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो राइट लेट्स ये अपना जीरो है ये वन है ये टू है स्टार्टेड फ्रॉम जीरो वन गया टू गया माइनस वन आया ज़ीरो आया ऐसे करके हो गया फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टेस्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या रही चाहिए इसकी टू एंड हमें भी क्या चाहिए हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए स्कोर की जो भी है तो हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हमने मैक्सिमम कंपेयर करा है स्कोर से जो भी मैक्सिमम हो रहा है ईच पॉइंट ऑफ टाइम वो इस पे क्या है इस पे जीरो ही है मैक्स ठीक है लेट मैं यहाँ पे मैक्स वैल्यू लिख रहा हूँ जीरो है इधर आके जब स्कोर वन हुआ तो मैक्स वन हो गया स्कोर टू हुआ तो मैक्स टू हो गया स्कोर वापस वन हुआ मैक्स अभी भी टू है स्कोर वापस जीरो हुआ मैक्स अभी भी टू है फाइनल आंसर क्या मिला मुझे मैक्सिमम आंसर मिला टू करेक्ट तो यही है इसके बाद जो भी मेरा फाइनल आंसर उसको हमने कर दिया रिटर्न अब एक बार चल के फटाफट देख लेते हैं इसको रन करके जो कि रन होना चाहिए ऑफकोर्स ठीक है रन कोड चल गया सबमिट हो गया ये रन हो गया बाय द वे ना इसके ऊपर मत जाना ये जो रन टाइम लिखा रहता है ये सब आ, ये ऐसे ही है चेंज होता रहेगा बीच बीच में ये देखो अभी नाइनटीन हो गया अब कभी कभी टू एम एस आ जाता है इसका तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन लीड कोड इसके ऊपर मत जाना बाकी अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं चलो हमने एरे डॉट सॉर्ट लगाया ठीक है, है तो हमें पता है भाई जो एफिशिएंट सॉर्टिंग एलगोरिदम है एनलॉग इन क्यों हो सकती है इसमें ठीक है ओके एनलॉग इन लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर उसके बाद इसमें देखते हैं वाइल्ड लूप हमारा चल रहा है ये ऑफ का लूप हो गया मतलब एन टाइम्स ही मैक्सिमम रन कर सकता है ठीक है कि हमारा हुआ ही नहीं पावर बहुत ज़्यादा दे रखी स्टार्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं हम एंड तक पहुंच गए करते करते ठीक है तो ये अपने पास हो गया एंड तो अगर हम दोनों को एड करके देखें बेसिकली एन लॉग एन ये जो सॉर्टिंग है ये हमको दे रहा है एन लॉग एन एन लॉग एन और ये हमको दे रहा है एन इनको ऐड करें तो इसमें डोमिनेंट क्या होगा एन लॉग एन होगा राइट तो अपना कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया एन ऑफ लॉग एन खत्म दिस इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपको सही लगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं लगा तो प्लीज़ फीडबैक दे देना नीचे कमेंट में इफ़ यू वॉन्ट दिस वीडियो टू बी इन इंग्लिश देन आई कैन ऑल्सो यू नो रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू इन इंग्लिश एंड सी अभी वापिस रन करा तो टू एम एस फास्टर देन हंड्रेड परसेंट सो दिस इज़ वाई यू नो आई सजेस्ट यू डोंट रिलाई लीड कोड ये जो अपना रन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम जो भी आता है इनके बैक हेंड पर भी हो सकते हैं कुछ कुछ दिक्कतें तो इस पर बस रिलाई करना ऑलवेज ट्राई टू यू नो कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्या आ रहा है तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसके हिसाब से असेस करना अपने कोड को सो दैट्स इट फॉर इट थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर एंड साइनिंग आउट थैंक यू